नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रिंगो HD पर। दोस्तों, ये जमाना रोबोट्स का है और इंसान हेवीली टेक्नोलॉजी के इन वंडर्स पर आजकल बहुत डिपेंडेंट हो चुका है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे कमाल के रोबोट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। ये रोबोट्स नॉर्मल रोबोट्स नहीं है, पर दीज आर द बिगेस्ट रोबोट्स इन द वर्ल्ड। बिना देखे आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि सच ह्यूज रोबोट्स एग्जिस्ट एंड वर्क एज फाइन एज द स्मॉल वंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कुछ इनक्रेडिबल रोबोट्स को। जापानीज टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जानी जाती है और जापान रोबोट्स बनाने के लिए बहुत फेमस भी है। मिलिए इस बीटल रोबोट से, जिसे जापान के रहने वाले एक व्यक्ति ने बनाया है, जिनकी उम्र 60 साल की थी जब उन्होंने इसे बनाया। ये एक फुली फंक्शनल बीटल रोबोट है और ये 36 फीट लंबा और 17 टन के वजन वाला है। देखने में भी ये हैरत अंगेज ही लगता है। इसको चलाने के लिए ये व्यक्ति इसके ऊपर बैठकर इसको कंट्रोल करते हैं और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस रोबोट को बनाने में उन्हें 10 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। उन्होंने 97 से लेकर 2008 तक इसको बनाया और फिर सबसे पहले एक टीवी शो पर दिखाया था, जहां लोग इसे देखकर ही पागल हो गए थे। यह है सुपर गजिला रोबोट, जो 16 फीट लंबा है और इसका वेट 14,000 किलो के करीब है। एल्यूमिनियम बॉडी से बना यह रोबोट 2015 में बनकर तैयार हुआ था। सुपर गजिला एक हाईली एडवांस्ड VR रोबोट एक्सपीरियंस देता है और विजिटर्स को इस रोबोट के अंदर बैठकर सिर्फ एक हेड गियर पहनना होता है, जिसके बाद उन्हें 360 डिग्री का इनक्रेडिबल VR एक्सपीरियंस मिलता है। डिफरेंट एक्शंस के हिसाब से गजिला रोबोट की सीट हिलती रहती है, जो एक बहुत ही रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है। सुपर गजिला रोबोट में जापानीज एक्टर योशिमासा की वॉइस को मेन कमांडिंग पायलट के लिए यूज करा गया है। इस रोबोट को मेनली कंस्ट्रक्शन और डेब्री रिमूवल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। गजिला रोबोट किसी भी टेरेन पर इजीली चल सकता है और मेटल पिंसर्स होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी और मोबिलिटी भी बढ़ जाती है। जापानीज कंपनी द्वारा बनाए गए इस रोबोट का नाम है कुरुटास। 13 फीट लंबा और 5 टन के वजन वाला ये रोबोट देखकर ऐसा लगता है कि आपके सामने किसी साइफाई मूवी का कोई रोबोट खड़ा हो। भले ही देखने में यह बहुत बड़ा है, लेकिन अपने सुपर पावरफुल गैसोलीन इंजन होने की वजह से ये 10 किलोमीटर की टॉप स्पीड्स पर इजीली भाग सकता है और आप इसके साथ रेस भी लगा सकते हैं। इसको चलाना भी बहुत आसान है। राइडर को बस इसके अंदर बैठकर इसके कॉकपिट में मौजूद एक बटन को प्रेस करना होता है, जिसके बाद वो इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुरुटास को स्मार्टफोन और 3G नेटवर्क के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस रोबोट की सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब आपको अपने एनिमी को शूट करना होता है, तब आपको बस एक स्माइल देनी होती है। इस फीचर का नाम है स्माइल शॉट। हाल ही में जापानीज कंपनी ने इस रोबोट को Amazon पर सेल के लिए भी लिस्ट करा था और इसको $1 million देके खरीदा जा सकता था। दोस्तों, मिलिए एक ह्यूज रोबोट से, जो देखने में ऐसा लगता है मानो ये अभी किसी हॉलीवुड मूवी से निकल कर आया हो। ये है Mark II रोबोट और इसे मेगाबिट्स और ऑटोडेस्क ने साथ मिलकर डिजाइन करा है। उन्होंने अपने इस रोबोट की आर्मर पैनलिंग करी और उसके लेफ्ट आर्म में एक कैनन भी अटैच करी, जो पेंटबॉल फायर कर सकती थी। ऐसा जबरदस्त रोबोट बनाकर वो मेकर फेयर में उसे प्रेजेंट करके लोगों को हैरान करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा करा भी। इतना ह्यूज रोबोट देखकर लोग इम्प्रेस हो गए और जब उन्होंने देखा कि ये रोबोट एक रियल टर्मिनेटर रोबोट की तरह फायर भी कर सकता है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक कार पर इस रोबोट से फायर करवाया गया और उसमें बैठे दो लोग उसको अंदर से ऑपरेट कर रहे थे। ये रोबोट 15 फुट ऊंचा और 6 टन के वजन का है और इससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। वायर्ड मैक रोबोट को सबसे पहले 2013 के कॉमिक कॉन में प्रेजेंट करा गया था और उसके बाद ये रोबोट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि कई TV चैनल्स ने भी इस रोबोट को बुलाकर इसका इंटरव्यू लिया था। 12 फुट के इस जायंट रोबोट को स्टैन विंस्टन स्कूल
और लेगेसी इफेक्ट्स ने मिलकर डिजाइन करा था। इस रोबोट की सबसे खास और यूनिक बात यह है कि इसके अंदर एक भी मोटर या हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद नहीं है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को अंजाम देने के लिए कई साल लग जाते हैं, वही इस जापानीज कंपनी ने सिर्फ 24 दिनों में करके दिखाया। वायर्ड मैक दुनिया का पहला रोबोट है जो जेस्चर्स की मदद से मूव करता था। अगर आप वायर्ड मैक रोबोट के अंदर बैठकर हैंडशेक का जेस्चर करेंगे तो ये रोबोट भी हैंडशेक करने लगेगा। इसके अलावा ये इनक्रेडिबल रोबोट ह्यूमन से इंटरेक्ट भी कर सकता है और वो भी एक अमेजिंग वॉइस में। These guys built this in 24 days, is that right? Yes, 24 days, 2,000 man hours. तो दोस्तों, ये थे कुछ जबरदस्त रोबोट्स जिनको देखकर आप भी हैरान हो ही गए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल फ्रिंगो HD को सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।